7 लाइव। आप ये तस्वीरों में पहले देख रहे होंगे कि काफी हैं, तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है, ये है मजदूर लोग। ये ऐसे मजदूर लोग जो काफी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि मैं हूँ आपके साथ ममता गोरिया जेके न्यूज 7 के लिए। इतना बताएं कि आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि इन मजदूरों की सुध लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। वैसे तो काफ़ी NGOs, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, कुछ काफ़ी लोग हेल्प कर रहे हैं मजदूरों की, बट कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जिनकी हेल्प अभी तक नहीं की गई है। ये लोग दर दर की ठोकरें खाने के खाना भी नहीं है। काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे, इनसे रूबरू जी। आप मुझे ये बताएं कि क्या मुश्किलें आ रही हैं आपको, कितनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं? यहाँ 4 और आप भगवती नगर के यहाँ अपार्टमेंट जी यहाँ, तो यहाँ पे क्या क्या मुश्किलें आई आपको? यहाँ तो खाने पीने का तकलीफ है ही, और ऊपर से शासन यहाँ हम लोग को टोकन दिया है, और वहाँ बोला गया था कि एक तारीख या 2 तारीख को आपको ट्रेन से मतलब बैठ के जाना है अपने गृह ग्राम, लेकिन वहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं आया अपने। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के बंदे यहाँ पर आए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, लोकल यहाँ के हैं 1-2 बंदे जो थोड़ा बहुत राशन वगैरह मतलब दे के गए थे 1-2 टाइम में, फिर वहाँ कोई नहीं आया। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। महिलाएं हैं कुछ यहाँ पर मजदूर। आपको बता दें कि क्या इंसान क्या नहीं करता अपना पेट पालने के लिए, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है, किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, जिनको हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारा हमारे जो हमारे बिजनेस हैं उनको ये लोग तैयार करते हैं। महिलाओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जी आंटी आप बताएं क्या मुश्किलें आ रही हैं आप? मैडम जी, पैदल हम गए कटरा, कटरा में काका थे नाका वाले लागे, पुलिस वाले बड़ा परेशान। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं? हाँ, कुछ बहुत थोड़ थाड़ कर रहे हैं। फिर हमको घर जाना है, भाई हमको तो ट्रेन भी नहीं, यहाँ कोई पूछता भी नहीं है। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। एक बुजुर्ग हैं, जी भैया आप बताएं क्या मुश्किलें आ रही हैं? जैसे बाकी सब कह रहे हैं कि काफी मुश्किलें आ रही हैं, खाना तक नहीं मिल रहा और कोई सुध लेने भी नहीं आया, क्या कहेंगे आप? हाँ, खाना बिना भूखे हो रहे हैं बेटी हम लोग। हाँ, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपकी सुध लेने नहीं आया? जी, आपने देखा होगा कि काफी लोग हैं यहाँ पर जो काफी परेशान हैं, इनकी सुध लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, और ये लोग बड़ी देर से दरबदर हो रहे हैं, और आखिरकार ये लोग आए हैं भगवती नगर की पार्क में। यहाँ पर इन्होंने अपना रैन बसेरा बना रखा हुआ है, लेकिन रहने को छत नहीं है। तरफ से कोई ऐसी बारिश आ जाती है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आपको बताएं कि हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका नाम? मैम, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। लोकल हो यहाँ के? जी मैम, लोकल ही हूँ। सो काफी देर से लोग यहाँ पर हैं, 1 जून से मैंने सुना कि 1 जून से हैं। सो आपकी तरफ से कोई मदद की गई इनके लिए? मैम, ये 1 जून को आए तो रात को, तो हम जैसे नॉर्मली घर से शाम को निकलते हैं, हमने देखा कोई बैठे हुए हैं, हमने सोचा कि यहाँ से कोई बसें वगैरह जा रही हैं, तो उसके वजह से इनकी कल बस होगी, तो आज रात को यहाँ पे रुकने के लिए बैठे हुए हैं। ये कल 1 तारीख को हमने देखा शाम को, हम जब 2 तारीख को चले जाएंगे, रात में जो लाए थे वही हमने खाया, भूखे पेट सो रहे हैं। फिर हम लड़के थे, मोहल्ले के लड़के, इन्होंने देखा, जो छोटे छोटे लड़के सारे कहते भैया की इनकी हेल्प करनी है, उन्होंने बेचारों ने अपने पैसे डाले, जो कोई 100, 200, 300 कर इकट्ठे करके 1 दिन का रोटी दिया। दूसरे ने फिर देखा, फिर दूसरे अंकल है हमारे साथ में, उन्होंने 1 दिन कर दिया कि चलो मेरी तरफ से 1 दिन का खाना हो गया। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि हम हर एक की मदद कर रहे हैं, हर एक गरीब की मदद कर रहे हैं, माना कि आपने इनको टोकन दिए हैं, मैं भी कहता हूँ कि मदद की है, इन्होंने टोकन दिए, चलो हम इनकी मदद करते हैं बाहर। तो 1 तारीख का समय दिया कि 1 तारीख को आप यहाँ पहुँच जाओ, ये सुबह मिल जाएगी 2 तारीख को, ये 1 तारीख के जहाँ पहुँचे हो आज हो गई है 5 तारीख, ठीक है मैडम? मैं सरकार से या अपने DC साहब जो भी हमारे इधर के हैं उनसे, हेल्थ जो भी है उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 2 तारीख को इधर पहुंच के या 1 तारीख को पहुंच के इनको अगर बस की अवेलेबिलिटी नहीं है
आप इनको ये बोल दो कि बस की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, हम आपका खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, शेल्टर होम कहीं पे रहने की इंतज़ाम करते हैं। अभी आप देखिए इन्होंने पूरे पार्क के किनारे में रहने का वो पूरा बनाया हुआ है, ये पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, कल शाम निकला था, ये पूरी रात जागते रहे भैया, हम रात को 2:30 तक देखा ये जाग रहे थे सारे कि बच्चों की सेफ्टी के लिए। बारिश आ जाएगी, कल भी मौसम बारिश का था, आज रात को बारिश पड़ गई, ये कहाँ पे रहेंगे, सामान गीला, बच्चे छोटे छोटे इनके साथ, वो कहाँ पे जाएंगे। ये दूसरी बात, खाने का कुछ कोई पता नहीं, रहने का कोई पता नहीं, सरकार ने कहा 2 तारीख को जाएंगे, आज 5 तारीख हो गई, कोई पूछने तक नहीं आया। हम ये चाहते कोई पूछने के लिए आता तो सही, इनके पास बोलता तो सही, भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई पूछ नहीं रहा इनको। यह है स्थानीय लोगों का कहना कि यहाँ पर इनके सुद लेने कोई नहीं आया, और वाकई में बात ये सही भी है कि अगर इन मजदूरों को टाइम दिया गया था कि 1 तारीख को आप लोग वहाँ चले जाइए, यहीं से आपको आपके गांव भेजा जाएगा, हर चीज़ मुहैया भी करवाई जाएंगी, लेकिन और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं, आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने मजदूर हैं यहाँ पर, जो कितने परेशान हैं, और रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, आखिर ये अपना पेट कैसे पालेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, हम लोग अपने घरों में बड़े आराम से बैठे हैं, क्या इनकी सुध लेने। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि आप लोग घरों में रहिए, आपको राशन मुहैया करवाया जाएगा, आप लोग घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है, सकती है। अब ये बताएं कि इन तस्वीरों में आप ये सच्चाई देख रहे हैं कि ये लोग आखिर कहाँ जाएं, क्या ये इंसान नहीं, क्या इनके सीने में दिल नहीं, इनकी सुध लेने आखिर कौन आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग परेशान हैं, अब आप बताएं कि ये लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, काफ़ी लोग हैं। सो यही कहना चाहेंगे आपसे कि इनकी सुध लेने के लिए सरकार से मेरी अपील है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो राशन मुहैया करवाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल वो करवाएंगे लोगों को ताकि वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत घातक बीमारी है। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग भी सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस ना फैले, आप भी देख सकते हैं ये लोग इकट्ठे हैं, इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग दरबदर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अगर वो वैसे नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे, खाने नहीं मिलेगा तो भूख से ही मर जाएंगे। तो क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या ये प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है कि वो उनकी सुध लेने आए? हर एक बंदे के पास टोकन दिया गया था कि उनको इस टोकन पे वहाँ जाना है, यहाँ पे रहना है, और यहाँ से उनको आगे भेजा जाएगा, उनके गांव भेजा जाएगा और खाना भी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब आप बताएं, इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर एक